गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम आपके लिए सब्जेक्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, कल पढ़ाई थी उसके बाद है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, कल हमने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का इंट्रोडक्शन बता दिया था, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की डेफिनेशन बताई थी, कम्युनिटी की डेफिनेशन बताई थी और हेल्थ की डेफिनेशन होती थी। उसके बाद बताया था इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अगर किसी भी स्टूडेंट्स को उसमें कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट सेशन में वीडियो पर कमेंट कर सकता है या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकता है किसी, ठीक है। और किसी भी स्टूडेंट्स को अगर और हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, सभी स्टूडेंट्स लाइव स्टूडेंट्स और हमारे प्रिय कॉलेज के स्टूडेंट्स अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ठीक है, इसके बाद बताया था कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आपकी सब्जेक्ट है, उसमें कल हमने बता दिया था इंट्रोडक्शन, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या होती है उसकी डेफिनेशन बताई थी, कम्युनिटी होती है क्या होती है उसकी बताई थी और हेल्थ की। उसके बाद आता है एक टॉपिक है आपका इम्यूनिटी, इम्यूनिटी, ठीक है, एक टॉपिक है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी क्या होती है, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी क्या होती है, एक रेसिस्टेंट पावर होती है। क्या होती है कम्युनिटी, रेसिस्टेंट पावर होती है, रेसिस्टेंट पावर होती है। क्या होती है इम्यूनिटी, रेसिस्टेंट पावर होती है, किसके प्रति पावर होती है इम्यूनिटी, क्या होती है रेसिस्टेंट पावर होती है किससे, ह्यूमन बॉडी की, किसकी, ह्यूमन बॉडी की रेसिस्टेंट पावर रहती है, किसकी पावर रहती है, रेसिस्टेंट पावर रहती है। इम्यूनिटी क्या रहती है, एक रेसिस्टेंट पावर रहती है किसकी, ह्यूमन बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की क्या होती है, रेसिस्टेंट पावर होती है। स्टूडेंट सभी रनिंग नोट्स साथ के साथ बनाए चलना, ठीक है। इम्यूनिटी क्या होती है, रेसिस्टेंट पावर होती है, ठीक है, किसकी, ह्यूमन बॉडी की क्या रहती है, रेसिस्टेंट पावर होती है। और किसके अंगेस्ट रहती है, और ह्यूमन बॉडी की रेसिस्टेंट रहती है और अंगेस्ट रहती है किसके, अंगेस्ट, अंगेस्ट रहती है किससे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, किसके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, ऑर्गेनिज्म के अंगेस्ट, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ठीक है, माइक्रोऑर्गेनिज्म के अंगेस्ट रहती है किसके। इम्यूनिटी क्या रहती है, रेसिस्टेंट पावर होती है, ह्यूमन बॉडी की क्या रहती है, रेसिस्टेंट पावर होती है और अंगेस्ट रहती है किसके, माइक्रोऑर्गेनिज्म के अंगेस्ट रहती है, ठीक है, और प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन, और किसको, प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन, इन प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन से प्रिवेंट प्रोवाइड करती है। हमने बताया था इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन में अंतर बताया था, जैसे ही बच्चे को वैक्सीन लगाई उससे इम्यूनिटी मिली, बच्चे को इम्यूनिटी मिली तो उसका क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी मिली, इम्यूनिटी किससे, किसी भी डिसीज से प्रिवेंट करने के लिए इम्यूनिटी मिली उसको क्या बोला था, इम्यूनाइजेशन। और वैक्सीन लगाई बट इम्यूनिटी नहीं मिली उसको क्या बोला था, वैक्सीनेशन, वैक्सीन तो लग गई बट उससे इम्यूनिटी नहीं मिली उसको क्या बोला था, इम्यूनाइजेशन, किसको, इम्यूनिटी मिली, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, इम्यूनाइजेशन। और वैक्सीन लगा दी बट इम्यूनिटी नहीं मिली तो उसको क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन। इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी क्या रहती है, रेसिस्टेंट पावर होती है किसकी, ह्यूमन बॉडी की क्या रहती है, रेसिस्टेंट पावर रहती है, और किसके अंगेस्ट रहती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, कोई भी बैक्टीरिया वायरस फंगस उससे लड़ने के लिए अंगेस्ट रहती है, ठीक है, और किससे प्रिवेंट करती है, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है। आया समझ में, साथ ही साथ लिखते चलना, लिख लो। ठीक है, रनिंग नोट्स बना लिए सभी स्टूडेंट्स ने, ठीक है, आई समझ में, डेफिनेशन क्या होती है, एक रेसिस्टेंट पावर रहती है और ह्यूमन बॉडी की क्या रहती है, रेसिस्टेंट पावर रहती है, किसके अंगेस्ट, माइक्रोऑर्गेनिज्म में, माइक्रोऑर्गेनिज्म के लड़ने के, प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन किससे, बैक्टीरिया वायरस और फंगस, ठीक है, आया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ठीक है, जैसे बोलते हैं शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जितना पिएगा उतना ही दाढ़ेगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी कितनी, टू टाइप्स की रहती है, कितनी, टू टाइप्स की, टू टाइप्स,
इम्यूनिटी कितने टाइप्स की रहती है? टू टाइप्स की रहती है। कौन सी? इननेट और एक्वायर्ड। इननेट, इननेट और एक्वायर्ड, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और इननेट इम्यूनिटी आया समझ में? इम्यूनिटी टू टाइप्स की रहती है, ठीक है, इननेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, इननेट आगे जाके सब डिवाइड रहती है, ठीक है, कौन सी रहती है? नेचुरल। इननेट मतलब क्या होता है? इन, इन मतलब इन, इनसाइड, इन साइड, ठीक है। और नेट का मतलब होता है बाय बर्थ, नेट, नेट का रहता है बाय बर्थ। अगर कोई भी वैक्सीन, ठीक है, इम्यूनिटी मिल रही है बाय बर्थ, अगर बच्चे को क्या जन्म के समय इम्यूनिटी मिल रही है, उसको क्या बोलते हैं? इननेट इम्यूनिटी, इनसाइड, ठीक है। बर्थ के समय बच्चे को क्या मिलना? इम्यूनिटी मिलना, उसको क्या बोलते हैं? इननेट इम्यूनिटी, ठीक है। क्या बोलते हैं? जैसे ही बच्चे को क्या मिल रही है? जन्म के समय। इन मतलब इनसाइड, या इननेट मतलब बाय बर्थ। किसी भी बच्चे को जन्म के समय बाय बर्थ, जन्म से ही इम्यूनिटी मिल रही है, जन्म से ही इम्यूनिटी मिल रही है, उसको क्या बोलते हैं? इननेट इम्यूनिटी। आया समझ में? इननेट इम्यूनिटी क्या होती है? बच्चे को जन्म से ही इम्यूनिटी मिलना, क्या? इननेट बाय बर्थ, जन्म से ही मतलब बर्थ के समय से ही इम्यूनिटी मिलना, उसको क्या बोलते हैं? इननेट इम्यूनिटी, ठीक है। उसके बाद है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी टू टाइप्स की होती है, टू टाइप्स की रहती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है, टू टाइप्स की रहती है। कौन कौन सी है? एक्टिव और पैसिव। एक्टिव, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव मतलब अपनी, एक्टिव से ही पता पड़ रहा है अपनी, ठीक है। और पैसिव मतलब पराई, ठीक है, पराई मतलब बाहर से इम्यूनिटी मिले, अपनी मतलब इम्यूनिटी खुद की। एक्टिव इम्यूनिटी क्या रहती है? अपनी खुद की। और एक्टिव और पैसिव मतलब पराई, ठीक है, अपनी बॉडी खुद बनाए, एंटीबॉडी। एक्टिव मतलब अपनी बॉडी खुद बनाए, क्या? अपनी बॉडी खुद बनाए, अपनी बॉडी खुद बनाए, उसको क्या बोलते हैं? एक्टिव एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। अपनी बॉडी खुद बनाए, अपनी बॉडी खुद बनाए, कैसी? एंटीबॉडी बनाए। कौन सी? एंटीबॉडी, क्या? अपनी बॉडी खुद बनाए, क्या? एंटीबॉडी। एक्टिव इम्यूनिटी किसे बोलते हैं? अपनी बॉडी खुद एंटीबॉडी बनाए, उसको क्या बोलते हैं? अपनी एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। और पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? बाहर से प्राप्त करें एंटीबॉडी, या पैसिव मतलब पराई, मतलब बाहर से प्राप्त करें, बाहर से प्राप्त करें, क्या? एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। पैसिव इम्यूनिटी क्या हो रहती है? बाहर से प्राप्त करें एंटीबॉडी, उसको क्या बोलते हैं? पैसिव इम्यूनिटी। और एक्टिव इम्यूनिटी क्या रहती है? अपनी बॉडी खुद बनाए, एंटीबॉडी, मतलब अपनी बॉडी खुद इम्यूनिटी बनाए, एंटीबॉडी बनाए, अपनी बॉडी खुद एंटीबॉडी बनाए, उसको क्या बोलते हैं? एक्टिव इम्यूनिटी। और पैसिव इम्यूनिटी क्या बोलते हैं? बाहर से प्राप्त करें एंटीबॉडी, उसको क्या बोलते हैं? पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। आया समझ में यहां तक? साथ के साथ रनिंग नोट्स बनाते चलना लाइव वाले स्टूडेंट्स, ठीक है। और एक्टिव इम्यूनिटी और पैसे, एक्टिव इम्यूनिटी टू टाइप्स की रहती है, एक्टिव इम्यूनिटी भी टू टाइप्स की रहती है। नंबर एक है नेचुरल, नंबर एक है नेचुरल, नेचुरल। और सेकंड है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल, नेचुरल इन्फेक्शन, नेचुरल क्या बोलते हैं? नेचुरल इन्फेक्शन, नेचुरल इन्फेक्शन, नेचुरल इन्फेक्शन। नेचुरल इन्फेक्शन में कौन सा आता है? स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स, नाम सुना होगा, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स
और चिकन पॉक्स बोलते हैं कि चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स हर पर्सन को होती है। स्मॉल पॉक्स स्कार छोड़ के जाती है। स्मॉल पॉक्स क्या करती है? स्कार छोड़ के जाती है। और कहाँ से निकलती है? सिर से निकलती है। स्मॉल पॉक्स क्या करती है? स्कार फेस पे क्या करती है? स्कार छोड़ के जाती है। और कहाँ से निकलती है? सिर से निकलती है। और चिकन पॉक्स चिकना बना के जाती है, अपनी बॉडी को क्या करती है? चिकना बना कर जाती है। और कहाँ से निकलती है? चेस्ट से निकलती है। आपने सुना होगा नेचुरल इम्यूनिटी होती है स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स हर पर्सन को होता है, ठीक है। अगर किसी पर्सन को स्मॉल पॉक्स अब तक प्रेजेंट नहीं हुआ तो हो जाएगा, बट स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स एक बीमारी, इन दोनों में से एक बीमारी क्या रहती है? हमेशा होती है और जीवन में एक बार ही होती है, ठीक है। स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स जीवन में एक बार ही होती है। क्या रहती है? नेचुरल इन्फेक्शन होता है। यह क्या बॉडी का क्या होता है? नेचुरल इन्फेक्शन होता है। स्मॉल पॉक्स क्या करती है? स्कार छोड़ के जाती है फेस पे, स्कार छोड़ के जाती है और सिर से निकलती है, ठीक है। चिकन पॉक्स फेस को क्या करती है? चिकना बना कर जाती है और चेस्ट से निकलती है। आया समझ में? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी क्या रहती है? आया नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी एक्वायर्ड क्या होती है? उसके बाद आती है आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल किससे देते हैं? इम्यूनाइजेशन करके, इम्यूनाइजेशन करके पेशेंट को वैक्सीन लगा दी, उसके बाद इम्यूनिटी मिलना। जैसे बाहर से कोई भी वैक्सीन इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए कोई भी वैक्सीन लगाई, ठीक है, बच्चों को लगाई जाती है, BCG की वैक्सीन लगाई जाती है टीबी से प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, 0.05 ml डोज लगाते हैं। जैसे ही बाहर से कोई भी वैक्सीन लगाई, क्या आर्टिफिशियल इम्यूनिटी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। यह किससे प्रिवेंट कर रही है? आर्टिफिशियल इम्यूनिटी को बढ़ा रही है। बोरिंग क्या कर रही है? इम्यूनिटी को इंक्रीज कर रही है, ठीक है। उसके बाद आता है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। पैसरम में क्या आता है? नेचुरल, और ये भी कितने टाइप्स की रहती है? टू टाइप्स की, नेचुरल आर्टिफिशियल। नेचुरल में ये क्या करती है? मदर से मिलती है। नेचुरल, ठीक है, नेचुरल और आर्टिफिशियल कौन सी रहती है? नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल मदर टू फीटस, मदर टू फीटस, मदर टू नेचुरल इम्यूनिटी किससे मिलती है? मदर टू फीटस। और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी किससे मिलती है? एंटीबॉडीज, एंटी सीरम किससे? बॉडी में क्या कर रही है? एंटीबॉडी इन्वेस्ट करती है, एंटीबॉडीज और एंटी सीरम, ठीक है। आया समझ में? ठीक है, इननेट बाय बर्थ इननेट इम्यूनाइजेशन टू टाइप्स का होता है। इम्यूनाइजेशन कितने टाइप्स का रहता है? टू टाइप्स का रहता है, इननेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी में एट बर्थ, में इनका मतलब इनसाइड और नेट का मतलब होता है एट बर्थ। जो बेक्स इम्यूनिटी एट बर्थ या जन्म से ही बच्चे को मिल रही है उसको क्या बोलते हैं? इननेट इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड टू टाइप्स की रहती है, एक्टिव और पैसिव, मतलब अपनी बॉडी खुद इम्यूनिटी बनाए उसको क्या बोलते हैं? अपनी इम्यूनिटी। और पराई इम्यूनिटी, अपनी बॉडी बाहर से प्राप्त करे उसको क्या बोलते हैं? पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी टू टाइप्स की रहती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। कौन कौन सी? नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या आता है? नेचुरल इन्फेक्शन होता है। नेचुरल इन्फेक्शन, नेचुरल में कौन सा आता है? स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स। आपने बचपन में सुना होगा, घर वाले बोलते होंगे कि स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स छोटी माता और बड़ी माता हर बच्चे को होती है। कोई ना कोई सी एक डिसीज, या तो छोटी माता आएगी या बड़ी माता निकलती है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स। स्मॉल पॉक्स फेस पे स्कार छोड़ के जाती है, और कहाँ से निकलती है? सिर से निकलती है, ठीक है, हेड से निकलती है। और चिकन पॉक्स फेस को क्या बना के जाती है? चिकना बना के देती है और चेस्ट से निकलती है। उसके बाद आता है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी कहाँ से मिलती है? इम्यूनाइजेशन से। किसी बच्चे को वैक्सीन लगाई या कोई इम्यूनाइजेशन किया, बच्चे को इम्यूनाइजेशन करके इम्यूनिटी प्राप्त करना या इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, इम्यूनाइजेशन के से इम्यूनिटी प्रोवाइड करना उसको क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल, ठीक है। उसके बाद आती है पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी दो टाइप्स की रहती है, कौन सी? नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल किससे करती है? मदर टू फीटस। मदर टू फीटस कैसे मिलती है?
प्लेसेंटा और ब्रेस्ट फीडिंग से, प्लेसेंटा बाई प्लेसेंटा, प्लेसेंटा या ब्रेस्ट फीडिंग, दूध पीता है बच्चा, ब्रेस्ट फीडिंग से इम्यूनिटी मिलती है मदर टू फीटस या बच्चे को। नेचुरल इम्यूनिटी किसे बोलते हैं, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी किसे बोलते हैं, प्लेसेंटा के द्वारा या ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा इम्यूनिटी मिलती है, उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी मदर टू फीटस। उसके बाद आते हैं आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी एंटीबॉडीज एडमिनिस्टर करते हैं, एंटी सीरम एडमिनिस्टर करके, ठीक है। नोट डाउन कर लो, अपनी सभी रनिंग नोट्स बना लो स्टूडेंट्स, लाइव वाले स्टूडेंट्स, अगर किसी भी प्रॉब्लम आ रही हो, कोई भी दिक्कत आ रही हो तो हमारे चैनल को, ठीक है, उसमें कमेंट कर सकते हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे चैनल पर कमेंट कर सकते हो, या हमारे व्हाट्सअप नंबर 8949495067 पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, हम उसका डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स का सभी हमारे लाइव स्टूडेंट्स या हमारे कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स, ठीक है। और अगर हमारे वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें। सभी स्टूडेंट्स अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ठीक है। आया इम्यूनिटी क्या होती है, रेसिस्टेंट पावर होती है, जो कि किससे, ह्यूमन बॉडी की क्या रहती है, रेसिस्टेंट पावर रहती है। इम्यूनिटी क्या रहती है, ह्यूमन बॉडी क्या रहती है, रेसिस्टेंट पावर रहती है, और अंगेस्ट रहती है किसके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंगेस्ट रहती है, ठीक है, और प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है, ठीक है। उसके बाद आया था टाइप्स, आया था टाइप्स, टू टाइप्स का था, इननेट और एक्वायर्ड, ठीक है। इननेट भी एट बर्थ पे दी जाती है, एट बर्थ जन्म से ही स्वयं होती है। और उसके बाद आई थी एक्वायर्ड, एक्वायर्ड भी टू टाइप्स की थी, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में कौन सी थी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। एक्वायर्ड भी टू टाइप्स की थी, पैसिव, पैसिव में क्या आती है, नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। उसके बाद बताया था नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी किससे मिल रही थी, नेचुरल इन्फेक्शन होता है किसका, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स, ठीक है। आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कौन सी थी, इम्यूनाइजेशन के द्वारा किसी बच्चे को इम्यूनाइजेशन किया, उसके बाद वैक्सीन से क्या करना, इम्यूनिटी मिलना, उसको क्या बोलते थे, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। पैसिव आई थी, पैसिव भी टू टाइप्स की थी, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में मदर टू फीटस किसके द्वारा, प्लेसेंटा या ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा, ठीक है। और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी किसके थी, एंटीबॉडीज या एंटी सीरम के द्वारा, ठीक है। आया समझ में सभी स्टूडेंट्स, लिख लिया सभी ने, ठीक है। आगे चलें, इम्यूनिटी समझ में आया सभी स्टूडेंट्स को। इसके बाद है एमनाई, इम्यूनोग्लोबुलिन, अगर हमारे सभी स्टूडेंट्स हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ठीक है। इसके बाद आता है इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनिटी के बाद इम्यूनो ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन कितने टाइप्स का रहता है, कोई बताएगा इम्यूनोग्लोबुलिन कितने टाइप्स का रहता है, इम्यूनोग्लोबुलिन 5 टाइप्स का रहता है, एंटीबॉडीज रहती हैं, कितने टाइप्स का रहता है, 5 टाइप्स का रहता है, 5 टाइप्स का रहता है, ठीक है। कौन कौन सी रहती है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी सबसे पहले आती है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन कितने टाइप्स की रहती है, यह क्या करती है, 4 टाइप्स की रहती है, ये भी 4 टाइप्स की रहती है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी क्या कहती है, 4 टाइप्स की रहती है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी कितने टाइप्स की रहती है, 4 टाइप्स की, इम्यूनोग्लोबुलिन जी फर्स्ट, इम्यूनोग्लोबुलिन जी सेकंड, इम्यूनोग्लोबुलिन जी थर्ड और इम्यूनोग्लोबुलिन जी फोर्थ, ठीक है। ये भी 4 टाइप्स की रहती है, कौन सी, इम्यूनोग्लोबुलिन फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ठीक है। यह क्या करता है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी क्या करता है, क्रॉस प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को क्या कर जाता है, क्रॉस कर जाता है, ठीक है, क्रॉस प्लेसेंटा,
क्रॉस प्लेसेंटा, ठीक है, क्रॉस प्लेसेंटा, ठीक है। और हाईएस्ट कंसंट्रेशन वाली रहती है इम्यूनोग्लोबिन, कैसी रहती है, क्रॉस प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है, और हाईएस्ट कंसंट्रेशन, और हाईएस्ट कंसंट्रेशन हाईएस्ट कंसंट्रेशन रनिंग नोट्स बनाते चलना सभी सभी स्टूडेंट्स, ठीक है। इम्यूनोग्लोबिन 4 टाइप्स की रहती है, IgG फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। पहली क्या है, क्रॉस प्लेसेंटा का कर जाते हैं, क्रॉस हाईएस्ट कंसंट्रेशन में रहती है और क्या करती है, ट्रांसफर मदर टू फीटस, ट्रांसफर मदर टू फीटस। मदर टू फीटस, ठीक है, मदर टू फीटस ट्रांसफर हो जाती है। इम्यूनोग्लोबिन जी कौन सी होती है, मदर टू फीटस ट्रांसफर होती है, और साइज में बड़ी रहती है, साइज में सबसे छोटी बट संख्या में सबसे बड़ी रहती है, साइज में स्मॉल, साइज में क्या रहती है, स्मॉल बट संख्या में क्या रहती है, लार्ज रहती है, लार्ज इन पॉपुलेशन, जनसंख्या जिसमें संख्या, ठीक है, क्या रहती है, संख्या में क्या रहती है, लार्ज रहती है। साइज में कैसी रहती है, इम्यूनोग्लोबिन जी, ठीक है, टाइप 4 टाइप्स की रहती है, इम्यूनोग्लोबिन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इम्यूनोग्लोबिन जी क्या करती है, क्रॉस प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है और हाईएस्ट कंसंट्रेशन में रहती है, ट्रांसफर मदर टू फीटस, मदर टू फीटस ट्रांसफर होती है, और लार्ज साइज में क्या रहती है, स्मॉल रहती है, और लार्ज संख्या में क्या रहती है, लार्ज रहती है। आया समझ में, इम्यूनोग्लोबिन जी क्या होती है, इम्यूनोग्लोबिन जी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये कहे, नोट डाल के लिखना, इम्यूनोग्लोबिन जी सेकेंड यह क्या करता है, मदर टू फीटस ट्रांसफर नहीं होती है, ठीक है, इसमें नोट डाल के लिख लेना, नोट इम्यूनोग्लोबिन, नोट डाल के लिख लेना, नोट इम्यूनोग्लोबिन जी सेकंड ट्रांसफर मदर टू फीटस नहीं होती है, नोट ए ट्रांसफर मदर टू फीटस, ठीक है, मदर टू फीटस ट्रांसफर नहीं होती है। आया सभी स्टूडेंट को समझ में, इम्यूनोग्लोबिन जी क्या होती है। इसके बाद ये इम्यूनोग्लोबिन ए, इम्यूनोग्लोबिन जी, अगर कोई भी डाउट हो तो हमारे कमेंट में मैसेज कर सकते हो, ठीक है, और हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ठीक है। आप जितना पढ़ोगे उतना ही अच्छा है कंपटीशन एग्जाम के लिए, ठीक है, जैसे बोलते हैं शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आती है इम्यूनोग्लोबिन जी, तो करा दी इम्यूनोग्लोबिन ए, ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन ए ये क्या रहती है, सीक्रेटरी फेज रहती है, इम्यूनोग्लोबिन ये क्या रहती है, सीक्रेटरी फेज रहती है। ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन ये क्या रहती है, सीक्रेटरी इम्यूनाइजेशन भी कहा जाता है, सीक्रेटरी इम्यूनाइजेशन भी कहा जाता है, सीक्रेटरी इम्यूनाइजेशन भी कहा जाता है, ठीक है। ये क्या करती है, सीक्रेशन करती है किसका, मिल्क का सीक्रेशन करती है, और टीयर का सीक्रेशन करती है, टीयर या ब्रेस्ट मिल्क का टीयर का सीक्रेशन करती है, और किसका करती है, सलाइवा का करती है, और गैस्ट्रिक जूस, और सलाइवा या गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। इम्यूनोग्लोबिन ये क्या होती है, सीक्रेटरी इम्यूनोग्लोबिन कहा जाता है, या सीक्रेशन करती है मिल्क का, टीयर का, ब्रेस्ट मिल्क का, या सलाइवा का, या गैस्ट्रिक जूस का क्या करती है, सीक्रेशन करती है, ठीक है। आई समझ में सभी स्टूडेंट्स को, लाइव वाले स्टूडेंट्स ध्यान रखना सभी। इसके बाद आती है इम्यूनोग्लोबिन एम, ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन एम क्या होती है, ये क्या रहती है, मोटी रहती है, ठीक है, क्या रहती है, मोटी रहती है, ठीक है, बिगेस्ट इन साइज, साइज में कैसी रहती है, बिगेस्ट इन
साइज में कैसी रहती है, बड़ी रहती है, ठीक है। रनिंग नोट्स साथ साथ बनाते चलना स्टूडेंट्स, साइज में बड़ी रहती है। नॉट क्रॉस प्लेसेंटा, डज नॉट क्रॉस प्लेसेंटा, डज नॉट क्रॉस प्लेसेंटा, प्लेसेंटा, ठीक है, ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाती है। आईजीएम क्या रहती है, बिगेस्ट रहती है साइज में, डज नॉट क्रॉस प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाती है। और पेंटामियर होती है, और क्या रहती है, पेंटामियर होती है। ठीक है, बिगेस्ट इन साइज, डज नॉट क्रॉस प्लेसेंटा और पेंटामियर होती है। आईजीएम क्या रहती है, बिगेस्ट में साइज में बड़ी रहती है, और डज नॉट क्रॉस प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का क्रॉस नहीं करती है, और पेंटामियर होती है। आया समझ में, इम्यूनोग्लोबिन जी, इम्यूनोग्लोबिन ए और इम्यूनोग्लोबिन एम। ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन जी क्या करती थी, क्रॉस प्लेसेंटा को क्रॉस कर रही थी, ठीक है, हाईएस्ट कंसेंट्रेशन में थी, और ट्रांसफर मदर टू फीटस। ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन ए थी वो क्या करती थी, सीक्रेटरी इम्यूनोग्लोबिन थी, सीक्रेटर सीक्रेशन करती थी मिल्क का, गैस्ट्रिक जूस का, टीयर का और ब्रेस्ट मिल्क का। और उसके बाद थी आईजीएम, ये क्या है, बिगेस्ट में साइज के, साइज है बिगेस्ट इन साइज, और डज नॉट क्रॉस प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती, और पेंटामियर होती है। ठीक है, उसके बाद आती है इम्यूनोग्लोबिन ई, इम्यूनोग्लोबिन ई। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इम्यूनोग्लोबिन ई, ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन ई, यह क्या होती है, एनाफाइलेटिक रिएक्शन करती है, एनाफाइलेटिक रिएक्शन। एनाफाइलेटिक रिएक्शन, ठीक है, और क्या करती है, एलिमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर हिस्टामिन, हिस्टामिन का क्या करती है, रिलीज करती है, एलिमेंट फॉर रिलीज हिस्टामिन, ठीक है, एनाफाइलेट रिएक्शन करती है, और एलिमेंट्स ऑफ रिलीज हिस्टामिन, ठीक है, और क्या करती है, मास्ट सेल द्वारा किसका, हिस्टामिन का सीक्रेशन करती है, हिस्टामिन का क्या करती है, सीक्रेशन करती है, कौन सी, इम्यूनोग्लोबुलिन ई क्या करती है, हिस्टामिन का सीक्रेशन करती है, किसके द्वारा, मास्ट सेल के द्वारा, मास्ट सेल के द्वारा किसका करती है, हिस्टामिन का सीक्रेशन करती है। ठीक है, इसके बाद आती है इम्यूनोग्लोबिन डी, जो क्या करती है, स्किन से प्राप्त होती है। इम्यूनोग्लोबिन की क्या होती है, इम्यूनोग्लोबिन डी, इम्यूनोग्लोबिन डी यह क्या होती है, स्किन से प्राप्त होती है, कलेक्ट स्किन से क्या होती है, प्राप्त होती है, क्या, स्किन से प्राप्त होती है। ठीक है, आया सभी स्टूडेंट्स को, इम्यूनोग्लोबिन डी, ठीक है, फाइव टाइप्स की इम्यूनोग्लोबिन थी, इम्यूनोग्लोबिन जी, इम्यूनोग्लोबिन ए, इम्यूनोग्लोबिन जी, इम्यूनोग्लोबिन ए, इम्यूनोग्लोबिन डी, इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है, ए और इम्यूनोग्लोबिन एम। ठीक है, आया सभी स्टूडेंट को समझ में, अगर कोई भी डाउट हो तो वो हमारे चैनल पर कमेंट कर सकता है। ठीक है, इसके बाद है मोस्ट क्वेश्चन, देख लो क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, प्राइमरी क्वेश्चन देख लो, प्राइमरी इन्फेक्शन कौन सा होता है, इम्यूनोग्लोबिन का प्राइमरी इन्फेक्शन कौन सा होता है, प्राइमरी इन्फेक्शन, प्राइमरी इन्फेक्शन, प्राइमरी इन्फेक्शन और सेकेंडरी इन्फेक्शन, प्राइमरी इन्फेक्शन और सेकेंडरी इन्फेक्शन। प्राइमरी इन्फेक्शन कौन सा आता है, आईजीएम, आईजीएम, और सेकेंडरी इन्फेक्शन कौन सा है, कोई बताएगा स्टूडेंट्स, आईजीजी, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, यह क्या रहता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है। ठीक है, आया समझ में, इम्यूनिटी और इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो स्टूडेंट्स हमारे चैनल को कमेंट कर सकता है। ठीक है, या हमारे व्हाट्सअप नंबर 8949495067 पर कॉन्टैक्ट कर सकता है।
कोई भी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ठीक है। आज हमारे टॉपिक को यहीं क्लियर करते हैं, उसके बाद कल लेके आएंगे नया टॉपिक, ठीक है। थैंक यू जॉइनिंग फॉर दिस क्लास स्टूडेंट्स, थैंक यू।